सिर पर बाल घने और काले उगेंगे, एक लाल पुड़िया सुबह और एक शाम, दो दोपहर में और दो रात में खाना। जानती हो माँ, गांव में एक वैद्य आए हैं जो ये कहकर लोगों को दवा दवा नहीं जादू है, जादू इन पुड़ियों में है। माँ तुम भी, पर तुम्हें क्या हुआ? वैद्य जी ने कहा उनके इलाज से मेरा वजन झट से कम हो जाएगा। पर माँ वजन कम करने के लिए दवा नहीं, तुम्हें कसरत करनी चाहिए। बैठे बैठे इनसे वजन कम हो जाए तो कसरत करने की क्या जरूरत है। राजू ये ले, अपने दोस्तों के लिए लड्डू ले जा। माँ तुमने राजू को देखा क्या? हाँ उस तरफ गया है। वो देखो वो रहा राजू। राजू हाँ? वही तो हम तुमसे पूछना चाहते हैं, तुम्हें क्या हुआ है? कुछ भी तो नहीं। तुम्हारी वो रंगीन पहेली कहाँ है? क्या कौन सी रंगीन पहेली? अब ये मुझे मिली है और ये मेरी है। रुक जाओ कालिया। जगह के सारे रंग कहीं गायब हो गए हैं। इस रंगीन पहेली में जरूर कुछ राज है। नहीं भीम, वरना तुम भी इसके जादू में फंस जाओगे। पर हमें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता तो ढूंढना ही पड़ेगा। जग्गू जरा पेड़ पर चढ़कर देखना कि आसपास कोई है क्या। उस तरफ मुझे कुछ दिख रहा है, शायद हमें वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए। वो देखो दरवाजा खुल रहा है। कौन हो तुम और मेरा रास्ता रोकने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरा नाम भीम है और मैं ढोलकपुर से आया हूँ। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम हमें ढोलकपुर वापस भेज दो। चुटकी वो रंगीन पहेली मुझे दो। पुड़ियों के अंदर है क्या? हाँ
मैंने खुद चेक कर देखा है, उसमें कोई दवा नहीं, सिर्फ पीसी चीनी का पाउडर है। हमें गांव वालों को सावधान करना होगा। ये यह कागज क्या रखा है? पास के गांव का सूचना पत्र है, लोगों में बांटने के लिए रखे हैं। कुछ अधूरा सा लग रहा है। हाँ, दाढ़ी मूछ की जरूरत है। क्या हुआ चिटकी, क्या सोचने लगी? ये ये तो बिल्कुल हसमुख वैद जैसा दिखने लगा। चलो, हर तकलीफ का इलाज वैद हसमुख के पास है। आपके कान में बताऊंगा। देख लो गांव वालों, ये कोई वैद नहीं, ये है बिरजू ठग, जो आप सभी को दवा के नाम पर पीसी हुई चीनी बेचकर ठग रहा था। अब दवा नहीं तो हमें कसरत ही करनी पड़ेगी। क्या हुआ? कुछ नजर आया या नहीं? भूख लगी है। शेख बेहतरीन से बेहतरीन, लगता है आगे गांव है, वहां जरूर कुछ खाने को मिलेगा। क्या खुशबू है, वाह बाबा, ये तो दुनिया की सबसे बेहतरीन खुशबू है। ये है शेख बेहतरीन से भी बेहतरीन। बस हमारा दिल खींचा चलाया। शुक्रिया, बैठिए, मैं आपके लिए लड्डू लेकर आती हूँ। बेहतरीन से भी बेहतरीन लड्डू। लड्डू खत्म हो गए। चलो इस और को। मुझे छोड़ दो चुटकी। ऐसे कैसे कोई हमारी टुनटुन मौसी को ले जा सकता है? चुटकी, तुम फिक्र मत करो, हम टुनटुन मौसी को जल्द ही जरूर घर वापस ले आएंगे। रुक जाओ, मैं दिखाता हूँ कि कौन है बेहतरीन।
इन्हें कैद करने का नहीं, इनके घर जाने का बंदोबस्त करो। लेकिन तुम हो कौन? ये भीम है। आप बेहतरीन चीजों की कद्र करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, मगर हर बेहतरीन चीज तभी अच्छी होती है जब उसे बांटा जाए। बेहतरीन चीजों का मोल समझना तुम्हें भीम की वजह से पता चला है। आज के बाद मैं बेहतरीन चीजों को अपना गुलाम नहीं बनाऊंगा। कभी नहीं भीम, सबको छोड़ दूंगा, मगर तुमने क्या बाजी खेली है। वाह 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 वाह, तुम तो दुनिया के सबसे बेहतरीन फाइटर किशुन किशुन हो।